तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, ये व्लॉग मैं शुरू करना चाहूंगा अपनी लास्ट वाली वीडियो के लिए थोड़ा सा अपोलोजाइज करना चाहूंगा। अगर मेरी जो टोन थी वो थोड़ी खराब लगी किसी को, किसी ने बड़ा इतराज किया कि मैं पाकिस्तानियों को बात है, भाई मैं नहीं कर रहा। अगर कोई नया है ना चैनल पे उसको शायद ये बात लगे, लेकिन जो पुराने लोग उनको पता है आई हैव डन नथिंग बट सपोर्ट आवर नेशन। हर जगह पे जो मैंने पॉडकास्ट भी किया है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ, उसमें मैं हमेशा अपने मुल्क के बच्चों के लिए बात करता हूँ कि उनके लिए कोई ऐसी बात बताएं जहाँ पे उनकी बेहतरी हो वगैरह। कॉन्स्टेंटली मेरा कंटेंट उस तरफ ही होता है। यहाँ पे भी आपको जो अमेरिका की लाइफ है वो दिखाता हूँ ताकि आप लोग ये पर्सपेक्टिव देखो सारा और इससे कुछ सीखो। मैंने कितने ज्यादा Q&A भी किए हैं जहाँ पे मैं यंग बच्चों की हेल्प करता हूँ। सो मेरा मतलब वो नहीं था, इट वॉज जस्ट कि मैं चाह रहा था कि ट्रस्ट इशू जो है पाकिस्तान के अंदर लोगों का एक दूसरे से, उसकी कोई बेहतरी हो। और जो हमारा सिस्टम है ना जहाँ पे बिजनेस को, एक एंटरप्रेन्योरशिप को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, उसके लिए बेहतरी हो। ये मेरा पहला गिग नहीं है बिजनेस का, मैं यहाँ पे भी अमेरिका में एक दूसरा करता हूँ, बट ई कॉमर्स का बिजनेस मेरा पहला पाकिस्तान में था तो मैं उसका एक तजुर्बा शेयर कर रहा था। बाकी जिन्होंने फजूल कॉमेंट्स किए हैं, बदतमीजी वगैरह की, यार उनके लिए तो मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा भाई, वो तो उनका काम होता है। कीबोर्ड वॉरियर है, अब सबके हाथ में कॉमेंट बॉक्स आ गए भाई, तो कोई भी कोई फजूल की बात कर देता है। बट जिनको पता है, जो रियल वंस हैं, उन्होंने जिन्होंने ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म दिया ना, अच्छा मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। जिस तरह एक बंदे ने कहा था यार आपको ने डिस्प्ले नहीं करनी चाहिए थी उन लोगों की इन्फॉर्मेशन जिन्होंने आपके साथ गलत किया, तो वो मैंने सुन के वो मैंने अपनी पिछले वाली यूट्यूब वीडियो से हटा दी है चीज बिल्कुल ना। और उन दोनों की और उनमें से एक का मुझे फिर मैसेज भी आया था, मैंने उससे बात भी की ईमेल पे एंड आई अपोलोजाइज, उसने भी किया। और बहुत से लोग कहते सिर्फ दो ऑर्डर खराब हुए तो शोर मचा दी, भाई दो ऑर्डर नहीं और भी बहुत हुए थे, ये वाले बड़े वाले ऑर्डर थे, मैं ये कह रहा था आपको, और भी बड़े लोगों ने इस तरह किया भाई। आई गेस इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैंने शायद इतना रिसर्च नहीं किया पाकिस्तान के अंदर मार्केट किस तरह ऑपरेट करती है, कि वहां पे ई कॉमर्स स्कैम 20-30% होते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी की जहां तक बात है, उस पर बड़े लोगों ने मुझे अच्छे मशवरे दिए कि आप ना कैश ऑन डिलीवरी पे डिलीवरी चार्जेस लिया करें, जिसको मैं अब करूंगा इम्प्लीमेंट, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी तक लोग कैश पे चीजें कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं वगैरह। एंड आई अंडरस्टैंड वहां पे अभी तक कार्ड सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ कि हर कोई यूज करे। बच्चों के अकाउंट तो वहां पे बच्चों के क्या, बड़ा जो 18 साल का होता है उसका भी अकाउंट खुलना मिशन इम्पॉसिबल 5 है, खोलते ही नहीं बैंक वाले, इसका शनाख्ती कार्ड लें उसका लें, तो आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर उस पर कैश ऑन डिलीवरी भी अब से ये होगा कि कॉल पे वेरिफिकेशन होगी पहले आपसे कि हाँ जी भाई आप ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, उसके बाद आपको डिलीवरी चार्ज भी पड़ेगा उस पर, क्योंकि यार एक मैं आपको ट्रस्ट से चीज भेज रहा हूँ तो मुझे भी कोई श्योरिटी होनी चाहिए। मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि लोगों को बुरा लगा कि मैंने उनको कोई बैश वगैरह किया, उस वजह से मैं गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ। और गिव अवे जो होगा वो होगा मेरे जो नेक्स्ट डिजाइन आ रहे हैं ना, 4 ओवरसाइज वाले शर्ट्स के, उसमें से एक एक शर्ट मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो टोटल 4 शर्ट्स हो गए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं एक पोस्ट लगाऊंगा आज या कल लगा दूंगा मोस्ट लाइकली, जिसमें मैं बताऊंगा गिव अवे की डिटेल्स। मोस्ट लाइकली होगा आपने उस पर कॉमेंट करना और आपने जो पोस्ट है उसको अपनी स्टोरी पे शेयर करना और मुझे उसमें टैग करना बेसिकली, ताकि मुझे पता चल जाए। तो ये गिव अवे की रिक्वायरमेंट होगी, उस गिव अवे में इंशाल्लाह आप एंटर करना कल इंस्टाग्राम पे। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो मुझे जाके कर लो, मूसा खाना है मेरा जो यूजर टैग है। जो जीतेगा उसको मैं अनाउंस करूंगा इंस्टाग्राम लाइव पे, ठीक है, और उससे फिर मैं पर्सनली बात करके उसके साइज के हिसाब से एड्रेस वगैरह लेके उसे सेंड कर देंगे। तो ये मेरी तरफ से एक अपॉलोजी है इन अ वे कि यू नो आई नीड टू मेक थिंग्स राइट, अगर मेरे से गलती हुई है तो अगेन बहुत माजत खाऊं। बाकी बॉयज एंड गर्ल्स, आज का प्लान ये है, मैंने सही तरह व्लॉग नहीं बनाया 2-3 वीडियो से, तो मैंने कहा आज आपको व्लॉग स्टाइल में ही बात करते हुए जाते हैं। फिलहाल मैं, फिजा और आइजन है, हम जा रहे हैं एक जगह पे हैप्पी लैम्प के नाम से, जहाँ पे मैं पहले भी लेके गया था आई थिंक 3-4 व्लॉग्स पहले, जहाँ पे ना वो हॉट पॉट में आप खाना गरम गरम करके ना मीट वगैरह पकाते हो और वो बड़ा मजे का पकता है। और ये जगह हमें बहुत पसंद आ गई थी भाई, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनका खाना था, तो यही भी जाके खा रहे हैं। तो साथ साथ आपसे बातें करते हुए भी चलते हैं। एक और बात भी वैसे मैंने आपसे करनी थी, अब मेरे दिमाग में ही, रिगार्डिंग द लास्ट वीडियो, कहते कि ओ आप ये ना क्लेम करो पाकिस्तान के लिए करो, आप अपने प्रॉफिट्स के लिए करो। व्हाट इज दिस? वेल डा, ऑफ कोर्स मैं अपने प्रॉफिट्स के लिए कर रहा हूँ भाई। पाकिस्तान में जो सारी यूनिवर्सिटीज खुली हुई, स्कूल के अदारे खुले हुए प्राइवेट, वो बच्चों से पैसे नहीं ठगते, लेकिन वो ये तो क्लेम करते ना हम हायर एजुकेशन आपको दे रहे हैं, इस कंट्री के अंदर ला रहे हैं। फास्ट फूड वाले जो होते हैं वो अगर बिजनेस ला रहे हैं, जो टिम हॉर्टन्स लाया था, ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए तो वो करते ही हैं, वरना बंदा ऑपरेट ही नहीं कर सकता भाई। उन्होंने पैसे देने होते हैं, एम्प्लॉइज को पैसे देने होते हैं, कारोबार चलाना होता है, तो ऑब्वियसली। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर लाए ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे। तो मेरा ये पॉइंट था कहने का, लोग कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हो तुम, सो डोंट कम ऑफ योर हाई हॉर्स। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी बात है करने वाली भाई। सिर्फ एक और बात आती है कि मैंने बात नहीं की थी कि बहुत बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं पर्सनल हेल्प के लिए, और मैं करता भी था पहले, लेकिन उस पर भी मेरा एक ट्रस्ट उठा हुआ है, उसमें भी बहुत ज्यादा स्कैमर्स होते हैं। तो जो जेन्युइन हेल्प वाले मांगने वाले होते हैं, जिनको कोई जेन्युइन काम चाहिए होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। मैंने कितने बच्चों की हेल्प की, उनको पैसे भी भेजे, बाद में पता चलता है कि वो कोई ऐसा सीन नहीं था, सारे फेक रिकॉर्ड से जो उन्होंने मुझे दिखाए थे कि ये वो फलाना ना, तो फिर मैंने उस काम पे छोड़ दिया भाई। अगर तुम्हें जेन्युइन काम, जेन्युइन स्किल आता ना, तभी किसी को अप्रोच किया करो, वरना ऐसे मांगने वांगने से कुछ
कुछ नहीं होता. इट्स बेटर टू ट्रेन समवन टू कैच अ फिश रादर देन गिविंग देम द फिश इटसेल्फ. मैंने प्रोबेबली बुचर कर दिया लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ गए होगे. खैर अगेन बहुत ज्यादा यैपिंग हो गई. अब उधर चलते हैं हैप्पी लैम और आपसे सीधा जाके उधर मिलते हैं. आइजन से भी अभी आपको मिलाता है. आइजन अभी सो रहा है जरा. फाइनली अभी 3 महीने का हो गया बॉयज एंड गर्ल्स सोता ही नहीं है. कोई पेरेंट्स हैं अगर देख रहे हैं कोई माँ बाप तो कोई टिप्स दो यार हमें. फिजा को कोई टिप्स दो हैं. फिजा दिन में भी नहीं सोता रात को भी अलग सीन है दिन में भी नहीं. अब फिर अभी बात ही की थी बस एक बात की थी अपनी इंस्टाग्राम रील पे ना कि लोग आजकल बच्चे नहीं करें उनको बच्चे करने चाहिए. लेकिन पाकिस्तान में वो फिर चलता है भाई. अमेरिका में तो यार कोई देखने वाला ही नहीं होता माँ बाप के अलावा. तो ये बहुत बड़ा इशू है ना. हम काम वाले भी रख सकते हैं ना कुछ रख सकते हैं यार. बहुत सारा कुछ खुद देखना पड़ता है. और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है कभी कोई देख लेता है कभी कोई या काम वालियाँ रख लेते हैं ओवरनाइट काम वालियाँ. यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली वाले भी जो होते हैं वो भी सारे काम कर रहे होते हैं. उनके पास भी टाइम नहीं होता यू नो. यहाँ पे सारे बंदे कोई ना कोई जॉब कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं. तो वही सीन है. फिजा की PhD चल रही होती है मैं अपना बिजी होता हूँ. बच्चा है बच्चे ने तो रोना है बच्चे ने तो तंग करना है. उसकी तो कॉन्शियस माइंड नहीं है ना. तो यू कैन नॉट ब्लेम द किड ऑब्वियसली. अब मूसा भाई का आपको हम्बल सजेशन ये है कि अगर आपकी शादी हुई है नहीं नहीं और अगर आपकी पढ़ाई है या कुछ चल रहा है तो मे बी 1-2 साल वेट करके फिर बच्चा कर लो. सोसाइटी की बातों में ना आना ठीक है. नहीं अगर आप बाहर रह रहे हो किसी भी मुल्क में. अगर आप पाकिस्तान में आपके पास नौकरानियां मेड्स या कोई देखने वाला है फिर इतना इशू नहीं है. लेकिन अगर आप बाहर अकेले रह रहे हो ना भाई कोई आपका बच्चा देखने को रेडी नहीं होता. सम पीपल आर डूइंग इट. कुछ लोगों को हम जानते हैं जो पढ़ भी रहे हैं जॉब भी कर रहे हैं बच्चा भी पाल रहे हैं. हर एक का बच्चा डिफरेंट होता है. कुछ बहुत इजी बच्चे होते हैं. हमारा बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा ही डिफरेंट है. वो सोता ही नहीं है अपने बाप पे चला गया मुझे लगता है. पूरी रात रात नहीं सोता. बाकी बॉयज एंड गर्ल्स हम आ गए हैं हैप्पी लैम पे. और मजे की बात है कि यहाँ पे फेस्टिवल लगा हुआ है तो हमने प्लान करना था कि हम इधर आएंगे ना. सुरीला गाना वो गा रहा था फिजा के थी कौन भौंक रहे हम. वो ना हाउस ऑफ द राइजिंग सन गा रहा है अपनी एशियन आवाज में ना कह रहा है शोंग शुआ यो ये या मो ये मा व्हाट आम या वो देखो लिरिक्स सुनो क्या कह रहा है. तू इसकी आंखें खुल गई. वो देखो में आ गए हैं. और वो मैनेजर जो है ना उसको हमारा याद भी हो गया शक्ल ना. वो हमें ये वाली टेबल ला के देती है. मैं कोने वाली बड़ी पसंद है. और वो देखो कौन उठ गया. ये कौन से क्यूटी है इतने गुच्छे गुच्छे में उठा है ग्रोगी ग्रोगी करके नींद में है. वे बड़ा गुस्से में इस वक्त नींद से उठा दिया ना उसे. वो बंदा गा ही इतना सुरीला रहा था आप देख ही रहे थे. वैसे गा अच्छा रहा था. खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स अभी यहाँ पे जाके साइड देते हैं. फिर वो जो हॉट पॉट आएगा ना उसके अंदर मीट डाल के आपको चेक कराएंगे. हाय हाय मजा आ जाएगा. वो देखो साइड पे हमारे पास हैं ये फिश बॉल हैं झींगे हमारे पास फिश है हमारे पास सॉसेज वगैरह पोर्क होता है वैसे सॉसेज और नूडल्स वगैरह की किस्में हैं मशरूम्स है हमारे पास सब्जियां हैं जिसकी तरह मैं नहीं देखता. वैसे कुछ सब्जियां अच्छी होती हैं. और हमारे पास साइड पे वो चिकन विंग्स हैं रोल्स हैं राइस हैं और नूडल्स हैं. तो इसमें से कुछ पकड़ते हैं चेक करते हैं जरा. हमने ले लिया है इस वक्त विंग पकड़ा है ठीक है. नूडल्स मैंने लिए हैं कुछ मशरूम्स वगैरह लिए हैं तो उसमें सारा पकाएंगे. हमारे पास ये मीट आ गया है फिर हमारे पास वो बीफ बेली और ये कौन आ गया पीछे. ये मोहना की अम्मी आ गई हैं तो मैं देख रही थी कौन है ये जो बैठ के मजे से खा रही है अपने हस्बैंड के साथ और फिर अपने हस्बैंड को कहती कि वो कुछ नहीं करता उसके लिए. कौन है ये. उसके बाद हमारे पास क्या है हमारे पास लैम्ब है और हमारे पास है बीफ बेली और साथ हमने चिकन भी मंगवा लिया है. आज इनके पास माल भी ज़्यादा सर्विस भी अच्छी है. हम यहाँ पे बहुत दफ़ा आ चुके हैं और हर दफ़ा हमने हर वीकेंड भी ऑलमोस्ट आ जाते हैं बट के बहुत अच्छा है ना. आइजन ऐसा ही है अच्छी नीला गुस्से में इस वक्त. सो इस पॉट में उबाल आ गया है तो अब हम इसके अंदर मीट डालना शुरू करेंगे. ये है प्राइम बीफ ठीक है. इसके अंदर डालेंगे ठीक है थोड़ी देर. उसके बाद थोड़ी देर हम उसमें पकाएंगे टमेटो वाली सॉस में. और ज्यादा नहीं पकाना होता थोड़ा सा पकाना होता है ठीक है. साथ ही ये देखो ब्राउन कलर इसमें आना शुरू हो जाता है. पक जा तो ये चेक कर रहे हो आप इस तरह का कुछ लगता है ठीक है. वो है आज तो सही मजे का क्या जूस फट फट के निकले मुँह से मजा आ गया बॉयज एंड गर्ल्स. ओए होए काश मैं यहाँ पे जोर का ओए ओए कर पाता. 10 out of 10. इस जगह का नाम है हैप्पी लैम. आइजन तेरे लिए मैं ना इसमें तेरा दूध सूप में गर्म करके तुझे दे देते हैं. उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स हम लैम ट्राई करते हैं. वो तो 10 out of 10 था मजा आ गया. ये हम लैम पकाने लगे ठीक है. तो ये लैम चेक करो जरा. ये अंदर डिबोया ये टोमेटो सॉस में डिप किया लैम. तो ये चेक करो जरा. हाय 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 हो असली और नस्ली बकरे का लैम बहुत ही मजे का.
ये सारा हम बैठ के खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बाहर मिलते हैं, मैं आपको सारा फेस्टिवल वगैरह दिखाता हूँ। बड़ा कॉन्फिडेंस है बंदे में। हम वहाँ से खाना खा के फारिग हो गए थे बाहर, हम ओनली टू फाइंड आउट दिस अंकल डांसिंग। बड़े लोग आए हमें देखने, अभी पीछे पूरी परफॉर्मेंस है, पूरी आंटी आ गई। उली उली ये देख लो बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ की औरतों को बुड्ढे होके देखो, लोगों को एंटरटेन करिए, और हमारी औरतें घर में लड़ाई कराती रहती है स्टेज पे। ये तो वो बन गया धमाल वाला। आओ यार, यार कितने गौर से देख रहा है। क्या कह रही थी? थैंक यू गाइस। देखो ये क्या है, पोटियां ढूंढ ढूंढ के डाल रही होती है आंटियां। और तुमने आंटियों को सेल मेला में नहीं देखा, लूट सेल मेला में कैसे रेसलिंग मैच चल रहा था उधर। सफायर पे जब सेल लगती है इतनी लंबी लंबी लाइनें, और फिर एक दूसरे से हाथापाई पे आ जाती है। क्या पता तुम्हारी एवोल्यूशन हो जाए, तुम भी वो आंटी बन जाओ थोड़ी देर में घूम घूम के। बॉयज एंड गर्ल्स वो ब्लॉग ना, मैंने फिजा की दोस्त ने ब्लॉग डिलीट कर दिया था, पुरानी एक दोस्त होती थी फिजा की, तो मैंने फिजा के साथ एक साथ था। वो नए नए दिन थे जब हम मिले थे, हमारा पहला पहला ब्लॉग था। क्या हो गया नई नस्ल नौजवानों को। बॉयज एंड गर्ल्स हमने ये इसकी सेलिब्रेट करने के लिए 3 मंथ वाली घर जाके सेलिब्रेट करें, रिकॉर्ड कर लेंगे। यस हो गया ये तो चलो वापस रख दो फिर। नहीं नहीं बर्थडे नहीं, कुछ नहीं होता। द नेक्स्ट डे टोपी भी आ गई इसके सर पे। बॉयज एंड गर्ल्स इसका रेडी हो गया, जो केक है वहाँ बड़े अच्छे उस पे रखा हुआ है प्रेजेंटेशन के साथ। देखो ना कंटेंट बनाना हमने बहुत ज्यादा जरूरी है। जिगली 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 है, कैसे हिल रहा है वो देखो। बॉयज एंड गर्ल्स कोई एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो देखो कौन बैठा हुआ है। आप सारे ये पूछोगे मामू का म्यूजिक करियर कैसा जा रहा है आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह फुल फिट जा रहा है। मामू को हम लाते हैं इंशाल्लाह ब्लॉग में ना, पूरा डिटेल में बात करेंगे। जितने भी हेटर्स हैं उनके मुंह पर लख दिलाना, ऐसे कमेंटों से बहुत डीट है। अभी बाबू ने 2-3 और गाने प्लान किए हुए, तीसरे पे काम चल रहा है, गुड पे काम चल रहा है, चौथे पे भी काम चल रहा है। उस सब की अपडेट्स आपको आती रहेंगे इंशाल्लाह। हम एक्चुअली इस तरह प्रॉपर ब्लॉग बनाते हैं मामू के साथ ना दोबारा। पहले पहले बनाने से पहले मैं ज्यादा फेमस हो जाऊं, फिर मैं इंटरव्यू के लिए टाइम। फिर मामू एक ब्लॉग का 7 लाख रुपया चार्ज करेंगे। तुम्हें कम होगा ठीक है, शुक्र है। सिर्फ 5 लाख। 5 लाख थैंक गॉड। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो टू। इंशाल्लाह वो गिव अवे जो वो अनाउंस हो जाएगा इंस्टाग्राम पे, आप लोग बस एक्टिव रहना।